एमपी के छतरपुर में बुधवार की दोपहर को राष्ट्रीय लोधी महासभा के युवाओं ने तीन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार घुबारा को एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से युवाओं ने अपनी मुख्य तीन मांगों को लेकर शासन को अवगत कराते हुए कहा कि रानी अवंतीबाई लोधी कल्याण बोर्ड की घोषणा की जाए। प्रदेश में किसी एक मेडिकल कॉलेज का नाम रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर करने की घोषणा की जाए। सरकार की किसी भी एक योजना का नाम रानी अवंती बाई लोधी के नाम से किया जाए। आज इन तीनों मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के 45 जिलों में ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन सौंपा गया है। अवंती बाई अवंती बाई वीरांगना रानी अवंती बाई वीरांगना रानी अवंती बाई। पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम सबके आग्रह पर आपने उपस्थिति दी। इसके बाद आज वीरांगना अवंती बाई जी के जन्म उत्सव पर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन पत्र सौंपा है तहसीलदार महोदय के माध्यम से। इसमें यह मांग रखी गई है कि महारानी वीरांगना अवंती बाई लोधी जी के कल्याण बोर्ड गठन की जाए। और एक और मांग है कि प्रदेश में किसी भी मेडिकल कॉलेज का नाम अवंती बाई के नाम से रखा जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।